नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में। कोरोना वायरस से जोड़कर देखी जा रही बच्चों की एक दुर्लभ बीमारी ने भारत में भी दस्तक दे दी है। डॉक्टर्स का कहना है बच्चे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से परेशान हैं, उन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और शायद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करने की जरूरत है। बच्चों में पाया जाने वाला ये सिंड्रोम कोरोना वायरस का एक गंभीर लक्षण हो सकता है। ये लक्षण कोरोना वायरस के आम लक्षणों से बिल्कुल अलग है। भारत के बच्चों में भी सिंड्रोम के लक्षण दिखने शुरू हो चुके हैं। कोरोना वायरस से जुड़े ये लक्षण चेन्नई में एक 8 साल के बच्चे में देखे गए, जिसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा आयोजित एक बैठक में डॉक्टर ने बताया इसके लक्षण कोरोना वायरस के स्पष्ट लक्षणों की तरह नहीं है और इसमें पेट दर्द के साथ साथ उल्टी बुखार शरीर पर निशान पड़ जाते हैं। डॉक्टर ने कहा इस नए सिंड्रोम से कई बच्चों के दिल को नुकसान पहुंचा है और उन्हें तत्काल इलाज की जरूरत महसूस हुई है। डॉक्टर्स का मानना है कि स्पष्ट रूप से इसमें कोविड-19 की भूमिका है। भले ही कई बच्चों में इसके टेस्ट नेगेटिव आए और उनमें इन्फेक्शन जैसे लक्षण ना दिखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।